ये आज का अखबार, आज का अखबार पढ़ा किसी ने? मैडम सर, मेरे क्वार्टर में अखबार नहीं आता है। ठीक है, तो तुम ही पढ़ो फिर ये। थैंक यू। अभी पढ़िए। बुड्ढे मुर्गे का चिकन खाने वाले 5 नौजवानों को गैस, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। कृषि मंत्री ने कहा रवि की फसल खराब। रवि का कहना है कि उसकी कोई फसल ही नहीं है, उसकी तो मोबाइल रिचार्ज की दुकान है। संतोष शर्मा, पूरा अखबार नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऊपर की लाइन जिसमें हमारा नाम लिखा है वो पढ़ना है। आपका नाम? मैडम सर पढ़िए। किधर है चुलबुली? चुलबुली ले उड़ी हसीना, जोर से चुलबुली ले उड़ी हसीना, पत्नी को आया पसीना। अमीनाबाद SHO की आशिकी के रंग, टॉक टॉक बनाया आशिक के संग। मैडम सर आप, चड्डा सनी चड्डा कोई काम है सके? ये ऐसी गिरी हुई और घटिया लाइनें वो इस्तेमाल कर सके? लीचड़ किस्म को आदमी है। जी हाँ, सनी ने ही छापा ये आर्टिकल और सनी ने ही लिखा भी है, और सनी के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन उसे मिली है विश्वस्त सूत्रों से। तो अब हम जानना चाहते हैं कि कौन सा विश्वस्त सूत्र है वो जिसने ये वाहियात झूठी खबर सनी तक पहुंचाई। आप लोग मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। मुझे तो मैडम सर बस लगा था। लगा आपको? देखिए आप लोग जानते हैं कि वैसे ही हम पर अम्मी की तरफ से कितना प्रेशर है शादी को लेकर। एक तो वैसे ही ढंग के लड़के मिलते नहीं, और ये खबर अगर उन्होंने पढ़ ली तो न जाने कितने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे हमें। आप लोग प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए प्लीज। और संतोष जी आप ये पुष्पा जी की तरह ना लगना लगाना बंद कीजिए अब। मैडम सर हमने प्लीज। तुम चलो बाहर। पुष्पा जी सॉरी 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 पुष्पा जी सॉरी। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी गलती है। अरे क्या जरूरत थी ऐसा सोचने की कि मैडम सर और चुलबुली के बीच में। अरे हम तो कहते हैं इसे क्या जरूरत थी सोचने की, और अगर सोच भी लिया तो किसी को पता कैसे चला ये। और संतोष जी सोचना ही है तो हमारे बारे में सोचो ना। तुम लो कसम से बहुत बड़े वाले टोपा, ये अपनी आशिकी ना हर बात पे घुसना बंद करो तुम, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब मजनू की तरह फटेयाल इस पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाई दोगे तुम। संतु ये फोन लो और अभी के अभी सनी को फोन करो और उसको बोलो इससे उल्टी खबर छापे और माफी मांगे, वरना उसको उठा के जेल में पटक देंगे या फिर तुम्हारी सैलरी रुकवा देंगे। बोलो। नहीं 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 पुष्पा जी प्लीज, करिश्मा मैडम प्लीज समझाइए ना पुष्पा जी को, घर वालों से पैसे मांगने में शर्म आती है और मैं इसमें बहुत उधार हो गया है, प्लीज समझाइए ना। अरे तो हम काहे के लिए हैं, हम चुकाएंगे ना आपकी उधारी। तुम फिर बोले, सारा कसूर ही मैडम सर का है। क्या जरूरत थी वो टॉक टॉक वीडियो बनाने की वो चुलबुली के साथ, और बना भी ली तो सनिया को दिखाने का क्या जरूरत था। मैडम जी बस आप मुझे परमिशन दो, बस सनिया को तो ऐसे जमीन पे लिटा के बाकी तोंद पे ऐसे 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 गच गचा के वा रिपोर्टर की टर टर नहीं निकाली ना तो मेरा नाम भी चिता चतुर्वेदी नहीं। ना रहने दे चीते, लोग हमेशा खुद की गलती छुपाने के लिए दूसरों के कसूर ढूंढते हैं। गलती चीते की थी पुष्पा जी, पर हम तो पूरी रात जग रहे थे मन में। तेरी गलती की वजह से नहीं आप सब मुझे सुना रहे, तो मेरे लिए थोड़ा सा सुन ना सको का, चुका रहूं ना आपको उधार। एक घुसंड मारेंगे ना नाक चबूतरा हो जाएगी तुम्हारी। आइए मैडम आइए, आज तो छोड़ेंगे नहीं किसी को। चलो चलो चलो। नहीं जी छोड़ना ही नहीं है, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, छोड़ेंगे नहीं किसी को, हिला के रख देंगे। हाँ हिला के रख देंगे सबको। हुआ क्या है? क्या हुआ है? हुआ क्या है? होगा तो अब मैडम आप पर केस होगा, आपके थाने पर केस होगा, आपके डिपार्टमेंट पर केस होगा, पुलिस प्रशासन पर केस होगा, इस सरकार पर केस होगा, आप सब पर केस होगा। छोड़ेंगे नहीं किसी को, किसी चक्कर में मत रहना आप। हाँ आपको वापस बुलाया हमने? नहीं वो
करिश्मा मैडम ने कहा चलो। जी अब आप शांति से हमें बताइए कि मसला क्या है। आपने जो घपला किया है ना वही मसला है मैडम। क्या हम बोले थे बाद में, बाद में, बाद में, बाद में क्या अभी? किसी और के प्रॉपर्टी पर कब्जा करने, एक शादीशुदा औरत का घर तोड़ने और अपने पोजीशन का नाजायज फायदा उठाने के इल्जाम की सारी धाराएं लगती है आप पर। हाँ ठीक है, आपकी मैडम से ऐप पर बात करते हैं, उन्हें कहिए कि ऑनलाइन आ जाएं। ऑनलाइन क्या भाड़ में? अरे 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 क्या यहाँ मेरी जिंदगी ऑफलाइन हो गई है और आपको ऑनलाइन की पड़ी हुई है। फेस टू फेस बात कीजिए, शक्ल से तो आप बड़ी समझदार लगती हैं। इतनी घटिया चॉइस है आपकी, चुलबुली, और आपको शर्म नहीं आती है एक शादीशुदा औरत की जिंदगी बर्बाद करते हुए? दिस इज वेरी बैड। No means no. Shut up. एक बात बताइए, आप तो खुद अपने पति को छोड़ने वाली थी? छोड़ने वाली थी, छोड़ा तो नहीं ना। अरे आप तो प्लॉट खाली होने से पहले कब्जा करने लगी। चुलबुली बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं है। वीडियो में अगर मैं ना रहूं ना तो उसे कोई गधा भी ना देखे। जो कान लगाकर सुन रहे हैं वो अंदर आ जाए। Oh my God, hearing? और आप मिस पम्मी, हमें लगता है कि यहाँ पर मामला कुछ उल्टा है। हमें नहीं लगता कि चुलबुली जी आपकी वजह से फेमस हुए, हमें लगता है कि आप चुलबुली जी की वजह से फेमस हुई। लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, उनके रिएक्शंस पर हंसते हैं। इसलिए सच तो यह है कि वो हो ना हो, आप उनके बिना कुछ भी नहीं। और इस बात का सबूत है हमारा और चुलबुली जी, चुलबुली भाई साहब के साथ बनाया हुआ ये वीडियो। So, now is the time for some fun time. और आज का वीडियो है सिर्फ आपके लिए। आप आए हमारे टॉक टॉक वीडियो में और बाहर आई। इस वीडियो को सिर्फ कुछ ही घंटों में 32 लाख लाइक्स मिल चुके हैं। इससे तो यही साबित होता है ना कि लोग उनको पसंद करते हैं और आपको नहीं। ये आपकी गलत फहमी है, सारी दुनिया पम्मी की फैन है। अच्छा प्रूफ कीजिए। करिश्मा सिंह जी, करिश्मा सिंह के साथ बनाएंगी आप एक वीडियो और फिर हम ये टैली करेंगे कि किसके वीडियोस को ज्यादा लाइक्स मिले हैं, हमारे और चुलबुली भाई साहब के या आपके और करिश्मा सिंह के। उससे तो साफ साफ पता चल जाएगा ना कि कौन सही और कौन गलत, किसके वीडियो को ज्यादा लाइक्स मिले हैं। अगर आपके वीडियो को ज्यादा लाइक्स मिले तो आप स्टार और चुलबुली बेकार, बोलिए है मंजूर? या बिल्कुल मंजूर है। आपके सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह जी के साथ में बनाएंगी हमारी सुपरस्टार पम्मी जी वीडियो और ये साबित कर देगी कि आपकी करिश्मा जी को कोई लाइक नहीं करता है ना। उनको लाइक शेयर और कमेंट्स की भरभराहट मिलेगी, इससे साबित हो जाएगा कि हमारी पम्मी जी किसी चुलबुली बुलबुली की मोहताज नहीं, अपने आप में ब्रांड है ब्रांड। ठीक है फिर, ठीक एक घंटे में मिलेंगे। चलिए मैडम। मैडम सर आप हमें क्यों इस पछड़े में डाल रही हैं? और नहीं तो क्या, अगर इनके वीडियो को लाइक नहीं मिला तो पता चल जाएगा कि सच में इनको कोई लाइक नहीं करता। हमारा मतलब है कि हमें ये जो शोशाबाजी है, ये सोशल बकैती, ये हमको समझ में नहीं आती है। समझ गए।